वेलकम बैक टू कैड इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम इस पिस्टन को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे विद गिवन डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम अपना स्केच जो है वो फ्रंट प्लेन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से लाइन सेलेक्ट करते हुए इसके ओरिजिन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कुछ इस तरह का स्केच जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद अगेन हम यहां से एक सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हम यहां से सेंटर लाइन सेलेक्ट करके एक सेंटर लाइन यहां पे ड्रा करेंगे। और यहां से एक थ्री पॉइंट आर्क सेलेक्ट करके एक थ्री पॉइंट आर्क ड्रा करेंगे। इस आर्क के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए मेक हॉरिजॉन्टल कर देंगे। नेक्स्ट हम इस स्केच को डायमेंशन देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 90 mm। ओके, इस लाइन की जो लेंथ है वो है 4.3 mm। जबकि इस लाइन की लेंथ है 7.3 mm। ओके, उसके बाद हम इन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से इनको इक्वल कर देंगे। उसके बाद इस लाइन को और इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करते हुए इनको भी हम इक्वल कर देंगे। उसके बाद इस लाइन से इस सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस है हमारे पास 42.5 mm, जबकि इस लाइन से इस सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस है 79/2, 39.5 mm। ओके, तो इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करके इनको यहाँ से कोलिनियर कर लेना है। इसके बाद इस आर्क के इस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसे मेक कोइंसिडेंट कर देंगे। नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 85 mm। ओके, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और देन हम ट्रिम कमांड से इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देंगे। और अब हम लाइन से जो है वो इस स्केच को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम जाएंगे फीचर कमांड में और इसी पूरे स्केच को रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व अबाउट दिस सेंटर लाइन। ओके, और इसे रिवॉल्व जो है वो 360 डिग्री पे करना है। रिवॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे स्केच अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसके ओरिजिन पे एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका डायमीटर होगा 76 mm।
ओके, अब इस सर्कल को हम करेंगे एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट यहाँ से ब्लाइंड सेलेक्ट करेंगे और इसे कट करेंगे अप टू 85 mm। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो अपना स्केच राइट प्लेन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल, और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। इस लाइन के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके, इस ओरिजिन को सिलेक्ट करके इसको मेक वर्टिकल कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम एक आर्क सिलेक्ट करेंगे और इन दो पॉइंट के दरमियान एक आर्क ड्रा कर देंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ इसको हम डायमेंशन देंगे। इस लाइन की लेंथ हमारे पास है 50 mm, जबकि इस आर्क का रेडियस है 40 mm, जबकि इस लाइन की लेंथ है 5 mm। अब हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। फीचर कमांड में जाके इसको एक्सट्रूड कट करेंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कट करेंगे थ्रू ऑल। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम अपने फ्रंट प्लेन के ऊपर स्टार्ट करेंगे और सर्कल सेलेक्ट करते हुए इस लाइन के सेंटर पे इस जगह को दो सर्कल्स ड्रा कर देंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करते हुए इन सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से इनको मेक वर्टिकल कर देना है। अब हम इनको डायमेंशन देंगे। इस आउटर सर्कल का जो डायमीटर है हमारे पास 45 mm है, जबकि इस इनर सर्कल का डायमीटर हमारे पास 33.8। ओके, नेक्स्ट इन सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस है 27 mm। ओके, अब अगेन फीचर कमांड में जाके इनको एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ऑफसेट और ऑफसेट करेंगे इसे 19 mm। अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्केच यहाँ पे है, जबकि इसकी एक्सट्रूजन जो है वो थोड़ी सी लेंथ के ऊपर हो रही है, जो कि है 19 mm। उसके बाद यहाँ से हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। अगेन इसी स्केच को हम सेलेक्ट करते हुए दोबारा एक्सट्रूड करेंगे। दिस टाइम इसको एक्सट्रूड जो है वो इन रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और यहाँ से अगेन ऑफसेट सेलेक्ट करके 19 mm सेलेक्ट करेंगे और ऑफसेट भी रिवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट स्केच जो है वो इस फेस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। इस इनर सर्कल को सेलेक्ट करते हुए इसे कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कर देना है। नेक्स्ट फीचर कमांड में जाके इसे एक्सट्रूड कट करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे थ्रू ऑल बोथ साइड। अब इसकी जो कट है वो दोनों साइडों के ऊपर जो है वो थ्रू ऑल हो रहा है। ओके, सो अब हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपीयरेंस में जाएंगे और इसको पार्ट कंप्लीट पार्ट को सेलेक्ट करते हुए इसे कोई मटेरियल असाइन करेंगे। सो इसी तरीके से हम जो है वो अपने बाकी डिज़ाइन भी सॉलिडवर्क्स में इजीली ड्रा कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग।